क्राइम न्यूज। बीरू का बिना सिर वाला लाश रोड के किनारे पड़ा हुआ था। सभी लोग उस रोड से जा रहे थे, जो भी देखते थे सभी लोग हैरान हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, अफियर क्राइम न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। इस घटनाक्रम को मैं शुरू से ही सुनाता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी ठुकाई ऑपरेटर हैं वो भी जान लें कि ठुकाई करना या ऑपरेटरी करना कितना खौफनाक होता है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान की है। राजस्थान की यह घटना आप लोगों को मैं बहुत मोहब्बत से सुनाता हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। बीरू का चाचा मुंबई कमाने गया था और उसकी बीबी बेहद खूबसूरत और जवान थी, मगर वह वहाँ से जब बातें करता था तो फोन में बहुत अश्लील अश्लील बातें करता था। जो उसके पास बिताए हुए पल थे उन सभी पलों को वो मोबाइल में बातें कर रहा था और उसे याद दिलाता रहता था, जिससे उसके मन के अंदर बुरे विचार आते थे और वह कहती थी, आप प्रदेश से चले आइए, मुंबई से आप चले आइए, आप मत कमाइए, क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे भी आपकी ज़रूरत है। दोनों ऐसी ऐसी बातें करते थे फोन में और उसका भतीजा यानी जो बीरू था वो चुपके चुपके अपनी चाची की बातें सुना करता था। और एक दिन बीरू अपनी चाची के रूम में गया और वहां जाकर उनके बगल बैठ गया। बगल बैठे बैठे उसने चाची से कहा, चाची जी, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, मैं सोचता हूँ कि आज आपके पास ही सो जाऊँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत डर लगता है, भूत और शैतान सपने में आते हैं, मुझे डराते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आपके पास ही सो जाऊँ। उसकी चाची कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ मेरे पास ही। जब वह उनके पास सो जाता है और रात में लगभग 11-12 बज जाते हैं, तब उसकी चाची अपने हस्बैंड से बात करने लगती है फोन में। बातें करते करते उसके मन में बुरे विचार आ जाते हैं और वह बीरू से लिपट जाती है। और जैसे ही बीरू से लिपटती है तो उसके अंदर भी मन के अंदर बुरे विचार होते हैं पहले से ही, इसलिए दोनों एक दूसरे में लिपट के अवैध संबंध बना लेते हैं। और दोनों का अवैध संबंध का सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब वह रोज ही अपने चाची के पास ही सोता रहता है। एक दिन उसका चाचा मुंबई से वापस आ जाता है और जब वो वापस आ जाता है तो बीरू अपने रूम में चला जाता है, वही सोने लगता है। इधर बीरू और उसकी चाची एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, लेकिन उसका चाचा जब आ जाता है तो वह चाचा अपने वाइफ के पास रहने लगता है। बीरू का चाचा एक दिन कहीं मुंडन पार्टी या बरही पार्टी रहता है, वहां चला जाता है और अपनी वाइफ से कह जाता है, रात हो जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, अगर जल्दी कार्यक्रम निपट गया तो मैं घर पर जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वह चला जाता है। जब लगभग 11-12 बज जाते हैं तब वहां से कार्यक्रम खत्म होता है और वह वापस घर आ जाता है। जब घर में वह वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीबी और उसका भतीजा एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसका खून खौल उठता है और अपने भतीजे के गले को दबा करके वहीं वह मार देता है और तुरंत ही अपने बीबी के गले को पकड़ता है, मगर वह हाथ जोड़ती हुई कहती है, मैं क्या करूं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था और मुझे चाकू दिखा रहा था कि मार दूंगा, इसीलिए मैं मजबूर हो गई थी। उसका चाचा समझ जाता है, हो सकता है ऐसा किया हो, और वह उसके लाश को यानी कि भतीजे के लाश को एक बोरी में भर लेता है और मोटरसाइकिल पर रखकर गांव से बाहर लेकर चला जाता है। और उस लाश को निकालकर बाहर रखकर उसके लाश के
टुकड़े कर देता है, यानी के गले और धड़ को अलग कर देता है और उसके सिर को ले जा करके एक पुराना कुआं रहता है, उस कुएं में डाल देता है कि उसके लाश को कोई पहचान न सके। जब सभी लोग रोड पर जाने वाले पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है तो बिना सिर वाले लाश को गांव वालों से पहचान करवाती है और गांव वालों को खबर करती है कि कोई पहचानो किसका बेटा है। तो बीरू की माँ उस लाश को पहचान जाती है और रोने लगती है, कहती मेरा बेटा घर पर नहीं है। तो उसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और घर वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ में उसका चाचा बहुत डरा हुआ रहता है, इसलिए पुलिस को उस पे शक हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लेती है। बहुत पूछताछ करती है तब जा करके वह बताता है कि मेरे वाइफ के साथ इसका अवैध संबंध था और मैंने देख लिया था, इसे मैंने इसे जान से मार दिया और इसके सिर को एक पुराने कुएं में मैंने डाल दिया है। पुलिस जाती है उस कुएं में, देखती है तो उस कुएं से एक सिर निकलता है, उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर इसके चाचा को यानी कि बीरू के चाचा को अरेस्ट करके उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, अवैध संबंधों का बहुत खौफनाक अंत होता है, इसलिए सभी अपनी माँ बहन की तरह सभी लोगों को समझें और सभी लोगों का सम्मान करें। तो दोस्तों, होशियार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अफेयर क्राइम न्यूज को देखते रहिए और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, नमस्कार।